आपने बताया नहीं ये किस चीज की दवाई है। तुम्हें गर्ज ताकत की दवाई है, हड्डियाँ कमजोर हो गई हमारी, जोड़ जोड़ में दर्द होता है, ना बैठ के सबक पढ़ाया जाता है ना खड़े हो गए नमाज। हाँ क्या कहना है तूने, मेरा ध्यान भट रहा है। वो आपसे बहुत एक अहम बात करनी है, वो जो जिशान है ना जिसे आप, अरे भाई इनको यहाँ से हटाओ, धूल उड़ रही है, हैं? हटाओ इनको यहाँ से, सारा गर्द इसमें आ रहा है, इतनी मुश्किल से छाना है इसे। हट जाओ दूर जाके खेलो। क्या है तुम्हारी जबान को ताला लगा हुआ है कि बोलना कुछ? साईं मुझे आप ये कहाँ गई है भाई, शहद की बोतल लेने इसको भेजा था, डेढ़ घंटा हो गया, मैं खुद इसके पीछे जाऊँ। शान है ना जिसे आपने मदरसे में दिया। दस रोटियां खाती हो एक वक्त तुम है? और बोतल शीशी पकड़ने की ताकत नहीं है, इतनी दूर से मैंने मंगवाया था ये शहद, जाया कर दिया सारे का सारा। कुफारत इसके अंदर भी घोल दिया। वो खुदा की कसम मैंने नहीं गिराया, अब्दुल्ला ने मुझे धक्का दिया तो गिर गया। एक तो इस अब्दुल्ला को ना मदरसे में सुकून नहीं मिलता, हर 5 मिनट बाद घर के चक्कर काटता है और हर किसी की चापलूसी करता है। तो मैं घर के काम पर क्या लगाया है, ना तो तुम पढ़ाई करते हो ना कुछ। देख लो अब किस चीज की दवाई, बड़ा शौक था बड़ा वर्क कर दिया। निकाल इसको, निकाल यहां से। क्या हुआ अपने मौलवी को मेरे बारे में कुछ बताया तो नहीं ना? जवाब दो, क्यों कुछ बोलते क्यों नहीं? भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए वो साईं, नेकी करो उल्टा मुंह की खानी पड़ती है। अभी मैंने मुंह खोला ही नहीं था कि उसने मुझे डांट दिया, आईंदा नहीं पढ़ूंगा किसी के मामले में, जो होता है हो जाए मेरी बला से। ये सुर्खी है औरतें लगाती हैं। ये तो मुझे भी पता है, यहाँ कौन इस्तेमाल कर रहा है? अब इस उम्र में मैं तो ये सुर्खियां पाउडर लगाने से रही। आपदा और साजदा को भी आपने सख्ती से मना किया हुआ है, या आपकी चहेती बीवी यही लगाती होगी छुप छुप के। क्या बताया था हमारे घर में हार श्रृंगार नहीं होता, सुर्खी पाउडर औरत को AI और गरूर की तरफ लेकर जाती है। तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझी हाँ? ये मेरी नहीं है। तो मेरे किसकी है? बच्चे कहीं कचरे के ढेर से उठा लाए होंगे, वो खेलते रहते हैं, अब उनके हाथ से गिर गया होगा।
बच्चों को भी समझाना तुम्हारा काम है। मैं हर किसी का कान पकड़ के उसको बाज नसीहत नहीं कर सकता। इस उम्र में उनको बुरा भला बताओगे तो बड़े होके वो गुमराह नहीं होंगे। बिल्किस, बिल्किस, चल आज मैं तुझे सबक दे ही देता हूँ। चल, मैंने तुझे मना किया था ना छत पे नहीं आना है, फिर भी तू छत पे आई बदजात। तू चाहती है कि लातों को भूत को लातों ही से समझाऊं। चलो फिर आ। चलो, समझती क्या है, बहुत सबर कर लिया मैंने। चल चल, तुझे डर नहीं लगता मेरे गैर मौजूदगी का नाजायज फायदा उठाती हो? यही दुख है ना तुम्हें कि तुम्हारे बाप ने एक बूढ़े आदमी से शादी की है तुम्हारी। तुम्हारा बाप तो मुझसे भी ज्यादा बूढ़ा है, मजा ले जो उसको मेरी बेटी से कोई शिकायत हो। मैं अभी इतना बूढ़ा भी नहीं हुआ हूं कि तुम छत पर जाकर गैर मर्दों को अपनी नुमाइश करती फिरो। कान खोल के सुन लो, अगर मेरी बनकर रहोगी तो इतनी मोहब्बत दूंगा कि संभाल नहीं सकोगी। और अगर तुमने बदनीयती की तो दिन में तारे भी दिखा दूंगा। मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो जवान बीवी को सर पे चढ़ा कर रखते हैं ना। जीशान कहाँ है? जीशान अपने कमरे में होगा। नहीं, वो अपने कमरे में नहीं है। हम लोग रात को लेट आए थे इसलिए फैजान बाबा ने बताया नहीं। तो फिजान से कहो कहीं और देखे, किसी और कमरे में होगा। मैं बता रही हूँ ना तुम्हें, वो पूरे घर में कहीं नहीं है, हर जगह ढूंढ लिया है उसे। क्या मतलब है, ऐसी उसने गैर जिम्मेदाराना हरकत कभी की तो नहीं? पता नहीं दाऊद, लेकिन इस दफा वो टेंशन में था। मैंने खुद जब उसके हाथ में कंगन देखे ना तब से मैं परेशान थी। मैंने तुम्हें भी बताया लेकिन तुमने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया। अब वो घर पे नहीं है। खैर, ऐसी कोई परेशान होने वाली बात भी नहीं है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, पता कर लेता हूँ। हो सकता है मेरे किसी रिश्तेदार की तरफ चला गया हो या अपने किसी दोस्त से मिलने गया। मैं बताता हूँ तुम्हें फोन करके। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब्दुल्ला, तुम्हें बड़े साईं बुला रहे हैं, वो छोटी बीवी के साथ किन जा रहे हैं, जल्दी जाओ। साईं, आपने मुझे याद किया? तुम कल से कहाँ गायब हो? हैं,
उस्ताद के जलाल में जहमत नहीं रहमत होती है। हमारे उस्ताद हमें पीटा करते थे, उफ तक नहीं करते थे। पता कहीं क्या, मेरे कमरे में बादाम की थैली पड़ी हुई है, समझे? उनको तोड़ो, चुलके अलहदा करो, बादाम अलहदा। मैंने हिसाब किया, मैं गिनूंगा, ठीक है? और मैं बच्चों को ना भटकने देना, तो चोरी करके खा जाएंगे। जाओ। क्या हुआ तुम्हें? टांगे टूट गई हैं, जल्दी करो, देर हो रही। यहाँ रोको, मैं भाई एक मिनट, जरा मैं जरा पैसे खुलवाऊँ। तुम्हारे भाई के बेटे का हकीका है, और लोग भी पैसे दे रहे होंगे, हम भी कभी देने। तुम यहीं बैठो, आ रहा हूँ। मैंने तुम्हारे लिए मदरसे में दाखिला ले लिया, रोज घर के बाहर घूमता हूँ कि कहीं एक नजर तुम दिख जाओ।
तुम सिर्फ मेरे लिए बनी। खामोश क्यों, जवाब दो। मैं तुम्हें इस मौलवी की कैद से निकालने आया हूं। कुछ बोलती क्यों नहीं है? फैसला करो कि चलना है कि नहीं। रुको, तुम यहां क्या कर रहे हो? मौली साहब, आपने वेबसाइट बनाने का कहा था ना, तो मदरसे में कंप्यूटर नहीं है, मैं घर से लेने जा रहा था। चलो, तब आपका काम है, लगे रहो। शाबाश, ठीक है, चलो भाई रिवर्स कर लो और निकाल लो यहां से। आराम से ले लो, ले लो, ले लो, निकाल लो। क्या भाई, बड़ा रश है भैया। अबे दरवाजा क्यों नहीं खोल ली? पता नहीं उस्ताद, जल्दी से दरवाजा खुला दे, नहीं तो तुझे गेंद की तरह अंदर फेंक दूंगा। मौलवी की बेटी भी अपना दिल आ गया यार। उस्ताद वो नजर आ गई, गेंद भी उसके पास है उस्ताद, कसम से। अबे हट इधर से, बच्चा है तू अभी, तेरे दूध के दांत नहीं टूटे, मुझे देखने दे। अबे यहां से तो आधी फोटो नजर आ रही है, पूरी का यूसुफ भाई। क्या हो रहा है यहाँ पे? भाई वो गेंद अंदर चली गई थी, बच्चे को भेजा है गेंद लेके आया। पर मुझे पता है कि तेरी गेंद कहाँ जाती है और क्यों जाती है। वैसे यूसुफ भाई ने भी इस लौंडिया की बड़ी तारीफ सुनी है, क्या मुझे इस गेम में शरीक नहीं करेगा? यूसुफ भाई बोलने की सब बच्चियाँ तो तुमने तार रखी है, अब इसको तो छोड़ दो। देख भाई, तू अपनी गेंद फेंक और मैं अपनी गेंद फेंकता हूँ, और जिसकी गेंद पे छक्का लगेगा वो गेम से बाहर। मंजूर है? मंजूर। तू तो बाहर आजा, आजा चल। लाहौल वाला कौन? ऐसे अंतर किसने घोषणा दिया? अब्दुल्ला, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा यार, कोई तो रास्ता होगा मौलवी के घर के अंदर दाखिल होने का। आहिस्ता बोलो, अगर साईं को पता चल गया ना कि मुझे भी इस मामले की खबर है तो वो मुझे मार देंगे। यार मैंने सादिया को बस एक नजर देखना है। तुमने बोल दिया ना तुम घर के अंदर नहीं जा सकते। ये क्या बात, तुम लोग भी तो घर के अंदर जाते रहते, तो फिर मैं क्यों नहीं जा सकता? घर के अंदर सिर्फ छोटे तालिब जाते हैं, बड़े तालिब नहीं जाते। मेरा यहाँ दाखिल लेने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, ना उसे देख सकता हूँ ना घर के अंदर जा सकता हूँ, किसी चीज का कोई फायदा नहीं। बड़े तालिब भी कभी कभी घर के अंदर जा सकते हैं जब भारी सामान जाना हो तब, क्योंकि हम छोटे तालिब तो भारी सामान नहीं उठा सकते ना, इसीलिए। तो मतलब ये घर के अंदर जाने का भी चांस है? मतलब ये घर के अंदर भारी सामान कब जाता है, कब आता है, इसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम अंदर जाने का सोच रहा मत। बड़े साई की नज़र चीते की नज़र से भी तेज है, और उनकी जो बड़ी बीवी है वो हर वक्त घूरती रहती है। मैं जो तुम्हें दोस्त समझ के छोड़ दिया था, लेकिन ये जो बड़े तालिब लोग हैं ना, ये बड़े साई की फौज हैं, हमारी हड्डियां तोड़ के कीमा बना देंगे। कौन है? खोलो।
अम्मी जान। बिल्किस, मेरी बच्ची। इतने दिनों बाद। ठीक है ना तू बेटा? जी। कुछ पता चला? नहीं। क्या मतलब नहीं? उसे ढूंढने की कोशिश की है या ऑफिस से ही होकर आ गए? ऑफिस कहाँ जा रहा हूं मैं, सारा दिन तो उसे ढूंढने में गुजर जाता है। सब रिश्तेदारों की तरफ पता कर लिया, उसके दोस्तों को फोन करके पता कर लिया, जिनके नंबर्स नहीं थे उनके घरों में जाके पूछा, कुछ खबर नहीं है। सारा कसूर मेरा है, मैंने ही उसे ढील दे रखी थी। प्लीज दाऊद, बात ढील की नहीं है, तुमने उस पर कभी तवज्जो नहीं दी। बिन माँ का बच्चा है, बाप की कंपनी नहीं मिलेगी तो वो बिगड़ेगा ना। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे वो हमारे हाथों से निकल गया है, अब कभी वापस नहीं आएगा। खबरदार, अपने मुंह से ऐसी कोई मनहूस बात मत निकालना। एक ही औलाद है मेरी, तुम तो दे ना सकी, कम अज कम उसके बारे में तो ऐसी बात मत कहो। बेटा है मेरा, नाराज है तो मैं उसे मना लू, बिगड़ गया है तो मैं उसे सुधार लूंगा, लेकिन मैं उसे वापस जरूर लेके आऊंगा। और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। अम्मी जान, मैं अक्सर आपसे ख्वाब का जिक्र किया करती थी ना, कि एक तन्हा लड़की तारीक रातों में भूल भुलैया जैसी गलियों में घूम रही है, ना कोई उसकी सदा सुनने वाला था, ना ही कोई उसकी मदद करने वाला था। उस वक्त तो ये ख्वाब मुझे समझ में ही नहीं आया, लेकिन अब लगता है कि वो लड़की मैं ही हूँ। तेरा अपना भाभी तेरे हक में गलत साबित हुआ मेरी बच्ची। मैंने तुझे बचाने के लिए उसकी गोद में कुरान पाक रखा, खुदा रसूल का वास्ता दिया उसे, अगर उसके सर पे तो चौथी शादी का भूत सवार था। मैं तुझे बचा नहीं सकी मेरे बच्चे। मुर्दों के लिए रोना अच्छी बात नहीं है। निकाह के नाम पर तो अब्बा ने मेरा यासीन पढ़ाकर मुझे दफन कर दिया है। आप मेरी कब्र पर आई हैं अम्मी जान, आप बस मेरे हक में दुआ कीजिएगा, आंसू बहाकर अपने आप को अजियत ना दें। आप ऐसी बातें नहीं करते मेरी बच्ची। तू क्यों मरे? अरे तेरे दुश्मन, मेरी उम्र भी लग जाए तुझे, अभी तूने दुनिया ही कहां देखी है कि उस तरह की बात कर रही है। अम्मी जान, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, तो बस अब्बा से शिकायत है कि उन्होंने गर्म दोपहर में मुझे एक बर्फ का टुकड़ा समझ कर रख दिया, और अब सूरज की तपिश मुझसे अपनी प्यास बुझा रही है। अब्दुल्ला, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी मजबूरी को समझो। अब तुम ही मेरे राजदान बन गए हो, तो कोई तो रास्ता निकालो मेरा से मिलने के लिए। तुम मुझे माफ कर दो, मेरी जान छोड़ दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने तुम्हारी साइकिल चला ली है। अब तुम्हारा और मेरा कोई वास्ता नहीं है, मेरा पीछा छोड़ दो। अच्छा, मेरा एक छोटा सा काम तो कर सकते हो, उस तक मेरा पैगाम ही पहुँचा दो। नहीं पहुँचा सकता तुम्हारा पैगाम, मुझे यहाँ रहना और पढ़ना है, तुम्हारी तरह मरना नहीं है। तो फिर कैसे मिलूंगा मैं उससे? ना मैं अंदर जा सकता हूँ ना वो बाहर आ सकती है। मैं किताबें रटे नहीं उसे मिलने आया हूँ अब्दुल्ला। ये बेवकूफी तुमने की है, तुम दीवाने हो गए हो। अगर तुम्हें अपना ख्याल नहीं है ना, तो छोटी बीबी का तो करो, इससे पहले ही किसी को पता चले तुम ये मदरसा छोड़ के चले जाओ। मैंने अभी तक उसको अपनी आंखों से नहीं देखा है, पता नहीं किस हाल में होगी वो, ठीक भी है या नहीं।
अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे ना तो मैं खुद ही अंदर जा रहा हूँ। ये गलती मत करना, मार खाओगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। वैसे भी उसके बगैर जिंदा रहेगा शौक नहीं है मुझे, छोड़ो मुझे। शान साहब ये बेवकूफी मत करना, मैं तुम्हें कुरान का वास्ता देता हूँ, वरना बड़े से गजब ढा देंगे। छोड़ो, घर में कैसे घुसे चले आए तुम? तुमसे पूछ रही हूं मैं। अरे लाहौल वाला कौन? ऐसे अंदर किसने घुसना दिया? मुझे नजर ना आए। मौलवी साहब मेरी बात सुनो प्लीज, प्लीज मौलवी साहब मुझे यहाँ से मत निकाले। गुस्ताख, बेशरम, बेहया, सखारत, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? बताओ नहीं तो तुम्हारा खून पी जाऊंगा। आपके घर में? लेकिन क्यों हजरत? बदनीयत इंसान है और क्यों, वरना पर्दादार घर में क्यों घुसे? ये कालजों में बढ़ते हैं अंग्रेजी किताबें, अजब अजाब इज्जत गैरत सब तकाजे भूल जाते हैं। खैर उधर के रख दूंगा। साईं, साईं से मदरसे के मामूल का नहीं पता, ये कॉलेज में पढ़ने वाला है, आप इसको यहाँ से निकाल दो। साईं वो मैं वेबसाइट बनाने के लिए घर से कंप्यूटर लाया था तो सोचा कि आपको इतला कर दूं। भाड़ में गई वेबसाइट, भाड़ में गया तुम्हारा कंप्यूटर। तुम्हें मुझसे कोई बात करनी नहीं तो किसी छोटे तालिब को पूछते, उसको भेजते। नमाज के लिए मैं यहाँ आता हूँ, मुझसे बात करते, मेरे घर में घुसने की क्या जरूरत है? जिधर है तू उधर है इश्क, जाविदा है अमर है इश्क। तेरा जलवा सरे मंजिल, सरे सफर है इश्क। खुदा जाने के तेरे हेज में दिलदार मेरा कसम, सरे खाना सरे महजे सरे बाजार मेरा कसम। ये तालिब कौन था? घर में पता नहीं कैसे गुस्सा चला आया, समझ में नहीं आ रही ये बात मेरी। तुम जानती हो कैसे? ये लड़का कौन है? इसने कहां देखा है मुझे? मुझसे प्यार का दावा कर रहा था और मेरे पीछे घर भी आ गया। या अल्लाह उसे बचा लेना।
अनजाने में ये गलती हुई, वरना ये हाल करता तुम्हारा सारी दुनिया के लिए मसाल होती। बेहतर तुम्हारे लिए यहाँ से दबा हो जाओ, तुम्हारे जैसे नया अहल लोगों के लिए मदरसा नहीं। सॉरी सॉरी मौलवी साहब, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं आइंदा से ये गलती नहीं करूंगा, प्लीज प्लीज प्लीज। वो मेरे मुंह मत लगाए, नहीं तो मैं अपने आपे से बाहर हो जाऊंगा। डालो इसे यहाँ से, मैं मदरसे वापस आऊं तो इसकी शक्ल मुझे नजर ना आए। मौलवी साहब मेरी बात सुन, प्लीज प्लीज मौलवी साहब, मुझे यहाँ से मत निकाले, एक मौका और दे दे, वरना तो मैं मर जाऊंगा। मौलवी साहब मैं आइंदे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, प्लीज प्लीज खुदा के लिए मुझे एक मौका और दे दे, एक मौका और दे दे मौलवी साहब प्लीज। तुम्हारी ये भूल माफ करता हूं, अगली बार मुझे ऐसी शिकायत मत मिले। यहाँ गया था बस आपसे खाओ, अगर इसने यहाँ रहना आप दो साजा साथिया सारी अंधी हो गई हो, नजर नहीं आता तुम्हें है? एक ना महरम मर्द घर में घुसा आ रहा है और तुम पर्दा करने के बजाय उसका मुंह ताक रही हो। उसको तो तौर तरीकों का नहीं पता, हिजाब पर्दे का नहीं पता, तुम्हें तो सब पता है, है? क्या तुम बीबी फातिमा की रवायत भूल गई हो? जब दो औरतों के रिश्ते में एक अंधा गुजरता जा रहा था, एक ने का पर्दा कर लो, दूसरे ने का कोई जरूरत नहीं, वो अंधा है, बीबी फातिमा फरमाई वो अंधा है, तुम तो अंधी नहीं हो। एकदम वो दूसरी औरत ने पर्दा कर लिया, ये होती है नेक और साले मुसलमान औरतें। ये बड़ी बेगम कहाँ है? मर गई थी? उस इंसान की खबर पूछने गई थी जिसको आपने अपनी खातिर जहन्नुम में धकेल दिया, चुड़ैल से शादी करने के लिए। कैसे बाप हो आप, बेटी को शादी के बाद एक बार भी मिलने के लिए नहीं गए? मेरी बच्ची बेचारी अकेली सिसकियां भरती रहती है। इजाजत लेके जाना चाहिए था तुम्हें, शौहर हैं हम तुम्हारे। अपनी बच्ची से मिलने के लिए मुझे आपकी इजाजत की जरूरत नहीं, इजाजत ले आपकी ये जवान जहान बीवियां, कुछ बूढ़ी में अब क्या रह गया? मैं कोई आवारा गर्दी करने के लिए थोड़ी गई थी, अपनी बच्ची से मिलने के लिए गई थी। तुम्हारी उम्र का लिहाज करते तुम्हें कुछ कहते ही नहीं है, इसका क्या मतलब है कि दो तुम्हारे जी में आए तुम वो करो है? ना करें आप लिहाज, मेरी बूढ़ी हड्डियां तोड़ डालें, मेरी बच्ची को तो आग में झोंक चुके हैं, जो कसर बाकी रह गई है वो मुझ पे पूरी कर लें। मैंने तो सोचा था कि मौलवी साहब के आने से पहले तुम आ जाओगी, पर तुमने आने में इतनी देर कर दी। ना बस भी कर, अब आंसू ही बहाती रहोगी, बस करो चलो। कैसे बस कर तू,
कैसे बस कर दूं? जब से मिलकी इससे मिलकी आई हूं, मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। मेरी मासूम बच्ची अभी 13वें-14वें साल के बीच में अटकी हुई थी और इसने उसे एक हैवान मर्द की झोली में डाल दिया। जानती हूँ माँ, जानती हूँ 13वां-14वां साल क्या होता है। 13वां-14वां साल बचपन और जवानी के बीच की दहलीज होता है। लड़की जब ये दहलीज पार करती है तभी वो शादी ब्याह की बहन को उसको समझती है। कब तक उड़ती रहेगी, आंसू बहाती रहेगी? इस लड़की से अपनी बेटी का बदला लेगी भी या नहीं? क्यों कुड़ती रहोगी, इसको भी सुकून से नहीं बैठने दोगी? मौलवी अपनी ये जो जवान जहान बीवी को लेके आया है ना, उसको भी मैं इसका सवाद नहीं लेने दूंगी। हराफा की जिंदगी हराम कर दूंगी मैं, मेरी मासूम बच्ची वापस। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बहुत होशियारी से और बहुत तरीके से। पागल मत बन, बात सुन मेरी। मौलवी साहब सारे पैसे, जितने भी चंदे के पैसे आते हैं, सारे जेवरात आते हैं ना, मौलवी साहब ने उस लड़की को दे दिए। संदूक के अंदर रखे हुए सारे पैसे मैंने खुद देखे, और घर में जो कुछ भी सामान आएगा, दाल चावल आटा चीनी, वो भी सब कुछ इस लड़की के हवाले कर दिया जाएगा। तुम क्या चाहती हो, हम इस नई नवेली दुल्हन से भिखारियों की तरह टुकड़ों की सूरत में मांगे चीजें? हरगिज नहीं। मैं इस कल की आई हुई लड़की को अपने सर पे हुक्मरानी करने नहीं दूंगी, समझी तुम? मेरी बिल्किस, एक काम करती, सबसे पहले हमें उस पे से मौलवी साहब का एतबार खत्म करना होगा, फिर जैसा मैं कहती हूँ ना बिल्कुल वैसा करोगे तुम। Like some